हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के विषय में कि कोई भी चीज शॉर्टकट से षड्यंत्र से नहीं होता, उसके ऊपर लगना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब वो चीज हासिल होता है। तो जो बोलने का भाव है यहाँ पर, हम सबको भी अपने भक्ति जीवन में बहुत ही परिश्रमी होना है, मेहनती होना है। ऐसा नहीं कि अरे भक्ति सरल है, मैं अपने काम को बहुत ध्यान से करूं, भक्ति को ऐसे ही छोड़ दूं। नहीं, भक्ति को भी उतना ही मेहनत से हम लोगों को देखना है, करना है। तो ये जो है भौतिक जगत में क्या होता है, माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ये हमारा जो नित्य संबंध है ये भुला दिया जाता है। अतवे जीव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। अर्थात अगर हम लोग को पता चले कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो मेरा सब कुछ भक्षण रक्षण मेंटेनेंस सब कुछ करेगा, तो हम लोग चिंता रहित होकर अपनी भक्ति में जीवन में टिक सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं ना, भौतिक जगत में आ जाते हैं ना, तो हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं, और भूलने के कारण स्वरूप हम लोग को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है कि अरे मैं ना करूं तो कैसे होगा। तो ये होता है। तो जो भी है, हम उस दिन एग्जाम्पल में बोले थे कि कोई बच्चा एक अच्छे पिता के, धनवान पिता के एक बच्चा अगर पढ़ना चाहे, स्टडी करना चाहे, अमेरिका जाके पढ़ना चाहे, तो क्या पिताजी क्या बोलेगा, तू वहां पे जाके लेवारगिरी कर, काम कर और पढ़। धनवान पिता ऐसा बोलेगा नहीं। धनवान पिता बोलेगा ठीक है, तुमको पढ़ना है, मैं आपको पैसा भेजूंगा, आपको जो चाहिए मैं आपको भेजूंगा। उसी प्रकार मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, अगर हमारे मन में कृष्ण भक्ति को लेकर, कृष्ण की महिमा प्रचार प्रसार करने की इच्छा हो, तो भगवान फैसिलिटी देंगे, भगवान कृष्ण क्यों नहीं देंगे। गुरु महाराज डायरेक्ट पॉजिटिव शब्द यूज किए, क्यों नहीं देंगे। अगर तुमको कृष्ण की सेवा करना है तो कृष्ण आपको वो फैसिलिटी क्यों नहीं देंगे। जैसे एक नौकर राजा की सेवा करते हैं, तो राजा की सेवा कैसे करते हैं, राजा की सेवा करने मतलब राजा के लिए थोड़ा पानी ला देना पीने का, थोड़ा जूस बना देना, उनके लिए गरम गरम पकौड़ा बना देना और भी बहुत कुछ। तो क्या राजा बोलते कि तू बाहर जा काम कर और वो पैसा से मेरे लिए पकोड़ा बना या ये सब करके ला, ऐसा बोलते राजा? नहीं, राजा बोलते तू मेरे पास रह, राजमहल में रहो और सब कुछ है, आटा है, बेसन है, आलू है, तेल है, आप पकौड़ी बनाओ, नींबू है, जूस बनाओ, मुझे पिलाओ, मुझे खिलाओ। राजा ये नहीं बोलेगा कि तुम बाहर जाके परिश्रम करके पैसा कमा के मेरा सर्व करो। उसी प्रकार भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा जब हम लोग करना चाहेंगे तो कृष्ण सब कुछ फैसिलिटेट देंगे, सब कुछ फैसिलिटी देंगे, क्योंकि कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, धनवान, धन संपदा के प्रतिनिधि, लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मीपति माधव, तो उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं है। अभाव है तो हमारे भाव का अभाव है। कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा करने के प्रति जो भाव होना चाहिए, वो भाव जो अभाव है उसको दूर करना है। उस अभाव को अगर मिटा दिया, भाव लाए, तो कृष्ण सब कुछ भेजेंगे, लैपटॉप भेजेंगे, मोबाइल भेजेंगे, इंटरनेट भेजेंगे, वाईफाई भेजेंगे, अच्छी वाणी भेजेंगे, सब कुछ, जस्ट प्रचार करो। लेकिन बोलेंगे नहीं, आज मेरा जप नहीं हुआ, मुझे अभी क्लास नहीं देना है, तो ये हमारी खुद का गलती है। कृष्णा तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ देके रखे हैं, बस
इससे मुझे समय निकालते करना, इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनको अगर प्रसन्न किया जाए तो सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट श्लोक के ऊपर। आगे अर्जुन क्या बता रहे हैं 27 नंबर श्लोक में। 27 नंबर श्लोक में बताया गया है माता जी, देश काल अर्थ युक्तानि हत्ता पोप समानि च हरन्ति स्मृति शिक्षं गोविन्दाभिहितानि मे। पढ़िए अनुवाद प्राप्त करिए। पढ़िए प्रभु जी, उमाशंकर प्रभु जी पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हम तो पढ़ने से मैं भगवान को क्या प्रभु जी, पहले तो अनम्यूट करना है तब तो पढ़ने में कुछ काम आएगा जी। कर दिए हैं। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों के हृदय परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन का संकेत भागवत गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के समय है, काल के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यह कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए तथा स्त्रियों श्रमिकों तथा ब्राह्मण क्षत्रियों और उच्च वर्गीय वैश्यों की आरोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से उज्जल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों ने संतावना दिलाने के लिए अपितु संकट उपस्थिति होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भागवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं का ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बदजीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं।
क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रमाणिक के शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतरण है। भगवान की भावनी अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भाव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई है, जिनका संबंध परमेश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा देश और काल तथा 5वां कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त कर सकती है। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है और इसके आगे प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत में भी उनका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महत तत्व कहते हैं उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है। वैदिक वाड्मय की पूरी योजना ऐसी ही भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भर्म मोह से मुक्त करती है। जब यह भर्म मोह ज्ञान तथा वैराग से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही 2 स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है। अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता, अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को संतान कहा गया है और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी संतान बताया गया है। जीव को भगवान के संतान रहने के और माता जी आमंत्रित जी भूल क्यों पड़ रहे हैं? अच्छी तरफ फीलिंग को देखिए ना, क्या है, क्या संतान? संतान जगत में रहने के लिए
आमंत्रित किया जाता है और जहाँ आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपर्युक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाए। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ होता है। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ने इस श्लोक में जो हम देख रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि हर्षित हो गए और इस चिंतित अवस्था में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जो उपदेश उनको आकृष्ट किया, याद किया। होता है कभी कभी हमारे जीवन में जब हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो हमारे माता पिता का दिया हुआ वचन, गुरुदेव का दिया गया वचन, टीचर का दिया गया वचन याद आता है। वो बोला था जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे, उस समय दुखी नहीं होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकार अर्जुन को जो भगवद गीता का उपदेश, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव समाज और सर्वकाल के लिए, सभी परिस्थितियों के लिए। तो अर्जुन अभी वो सी जो उपदेश था उस उपदेश को चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए वो चिंतन कर रहा कि कैसे मुझे भगवान ऐसे शोक से, मोह से बचाया। तो सभी परिस्थिति, मतलब भगवान का जो वाणी है वो देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाला, आदेशों से परिपूर्ण बनाएंगे। तो शुद्ध गोस्वामी इस विषय में कल बोलेंगे, हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भगवान का जो वाणी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि वाणी जो है ना व्यक्ति को घायल भी करता है और व्यक्ति को जीवित भी कर देता है। ये वाणी का बहुत महत्व है। अगर कोई दूसरे भाषा में भी आपको कुछ बोल दे, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वो कान में प्रविष्ट हुआ ना वो इफेक्ट करता है। चाइनीज में बोल दिया आपको, आपको समझ नहीं आया वो क्या बोला, लेकिन कान में घुसे ना, तो अगर वो बेड बोला है
अगर वो खराब बोले है तो आपको इफेक्ट होगा, और अच्छा बोले तो आपको अच्छा लगेगा। तो वाणी ऐसा चीज है, क्योंकि वाणी जो है ना एक शक्ति है, जैसे अस्त्र होता है उसी प्रकार वाणी भी है। तो भगवान का वाणी प्रेरणादायक होते हैं हमारे इस झकझोर वाले ये जो जीवन, जलन, जीवन सिर्फ जलन है। हमारा जीवन क्या है, सुख का जीवन थोड़ी है। सब समय हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा जिस टाइम सोते हैं उसी समय आनंद है, बाकी समय सिर्फ जलन और कठोर, सिर्फ दुख ही दुख। जब तक सोए रहेंगे तब तक टेंशन फ्री, जैसे जाग गए शुरू हो गया कहानी। तो ये लाइफ में हमारा ये जो जलन, ये जो कष्टदायक स्थिति, भगवान की जो कथा है, भगवान का जो आदेश है ना, ये सबसे हम लोग को मुक्त करा देते हैं। हृदय की जलन को शांत करने वाले हैं भगवान की कथा। कभी कोई प्रश्न कर सकते, प्रभु जी हमारी कथा में हृदय को शांत करते क्यों नहीं? करते हैं, हमारे बातों में भी दम है। कोई किसी का देखते हम लोग गांव घर में, या कोई किसी का पिताजी मर गया तो दूसरा व्यक्ति आके उसको पीठ में हाथ थपथपाता है, हाथ थपथपाते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, हम लोग है ना, पूरा गांव है आपके साथ, पिताजी मर गया कोई बात नहीं, हम लोग है, साथ देंगे, चिंता मत करो, हम लोग तो नहीं छोड़े ना आपको गांव से। तो ये जो थोड़ी सी, ये जो एक दो वर्ड्स बोल देते हैं उनको नया जीवन मिलता है। तो चाहे भगवान श्री कृष्ण बोले या कोई साधारण जनता बोले, वाणी जो है ना, वाणी अपने आप में ही है एक शक्ति है। और ये जो वाणी, इसको बाक शक्ति कहा जाता है, सरस्वती देवी, और बाक शक्ति भगवान की एक शक्ति का प्रकाश है। इसीलिए अगर हम लोग चाहे किसी को अपनी वाणी से घायल भी कर सकते हैं और किसी को जीवित भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला में भगवान का वाणी कितना सरल स्वभाव के या कितना प्रेरणादायक होते हैं। रामचंद्र रामायण की घटना देखिए, रामायण में भगवान श्री राम, भगवान रामचंद्र रावण से युद्ध कर रहे हैं फिर भी उनकी वाणी में कितनी मधुरता है। जब रावण को ललकार रहे फिर भी कितनी मधुरता है। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को ललकार रहे उसमें भी कितनी मधुरता है। भगवान श्री कृष्ण कालजवन को जो अपने साथ ले गए गुफा में उसमें भी कितनी मधुरता है। ठीक है, तो मधुर वाणी सबको आकृष्ट करते हैं, सबको अच्छा लगता है। देखिए हर चीज का आहार होता है माता जी, हम लोग मुंह में खाते हैं तो टेस्टी भोजन ग्रहण करते हैं। अगर तीता लगता है, कड़वा लगता है तो हम लोग उसको उतना पसंद नहीं करते। करेला आई डोंट लाइक, ठीक है, लेकिन मिष्टी गुलाब जामुन खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मिष्टी है, मीठा है। उसी प्रकार वाणी भी जो है ना, वाणी में भी कड़वा है, वाणी में भी मीठा है। तो हर कोई मीठा खाना चाहते, कड़वा खाना नहीं चाहते। तो अगर हम लोग अच्छा वाणी बोलेंगे तो लोग सुनते ही रहेंगे, क्योंकि मीठा वाणी अगर हो तो, और कड़वा बोलेंगे एक शब्द पर नहीं बोलो कान बंद करेंगे। ठीक है, तो कान का आहार मुख का आहार, मुख का आहार हम लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, उस पर कान का भी आहार मधुर वचन, मधुर वाणी सुनने को मन करता है। इसीलिए हम लोग कीर्तन सुनते हैं, रात को नींद के टाइम कोई कीर्तन लगा देते हैं, मधुर कीर्तन। इसीलिए ये जो है ना, ये जीवन में हम लोग को इस चीज का शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसको जानते थे, जानते हैं, इसीलिए सारे जगत के लोग उनकी वाणी के लिए तरसते हैं। भगवद गीता का एक एक वचन, रामायण का भगवान रामचंद्र का एक एक वचन, विष्णु पुराण का भगवान विष्णु का एक एक वचन अमृत है। उसी प्रकार तो उनका वचन अमृत है और हमारा वचन अमृत क्यों नहीं निकलता? व्हाट इज द डिफरेंस? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी वाणी के पीछे हृदय का हाथ होता है। हृदय अगर हमारा शुद्ध हो तो हम लोग जो कुछ बोलेंगे वो शुद्धता के साथ निकलेगा। और हृदय अगर गंदगी से, दुख से, पीड़ा से, क्लेश से भरा हुआ है तो हमारा वाणी भी क्लेश जैसा निकलेगा।
धूप जैसा निकलेगा। हम लोग अगर प्रसन्न चित्त है अंदर से कृष्ण भक्ति के द्वारा, तो जो भी बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो। तो भगवान श्री कृष्ण का कुछ दुख है नहीं, क्लेश है नहीं, डर है नहीं, इसीलिए उनका वाणी जो भी निकलता है शुद्ध परम और प्रेरणादायक होता है। इसीलिए शुद्ध भक्त का वचन और भगवान का वचन दोनों समान होता है। सुत गोस्वामी का वचन, सुखदेव गोस्वामी का वचन, व्यास देव का राइटिंग, श्रील प्रभुपाद का लेक्चर्स, शुद्ध भक्तों का, गुरु महाराज का वचन कितना सुंदर क्यों लगता है, इतना मधुर क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि हृदय से निकलता है, हृदय उन लोगों का प्रेम से भरा है, कृष्ण प्रेम से। उन लोगों का हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है और उस हृदय से वो वाणी निकल के आ जाते हैं। और हमारे हृदय में काम वासना है, प्रेम नहीं है, इसीलिए जो भी निकलता है वो मिलावट रहते हैं, इफेक्ट नहीं करता। इस प्रकार हम लोग समझ गए भगवान श्री कृष्ण का जो वाणी है, अर्जुन यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ जो भी है मुझे अभी कृष्ण का वाणी स्मरण करने दो, उनका आदेश को पालन करना, तो ये सब। उसके बाद कल क्या होगा हम लोग देखेंगे, शुद्ध गोस्वामी आगे क्या बोलेंगे। तो इस संबंध में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। मेरा वीडियो म्यूट हो गया प्रभु जी। क्या अज्ञा क्या प्रभु जी? नहीं मेरा वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए हमने आपको बोला था। वीडियो क्योंकि मैंने बंद करके रखा, क्योंकि आप पान खा रहे हैं ना। पान नहीं खा रहे भाई, बोले पान नहीं खा रहे प्रभु जी, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप ताल गाछ के नीचे, आप ताल पेड़ के नीचे जाके दूध पिएंगे, लोग क्या बोलेंगे, दूध पी रहे, बोलेंगे शराब पी रहे। यही तो सोच गलत है। क्या गलत है? गलत उनका नहीं है, सोचने वाला का गलती नहीं है। उनको दूध घर में पीना चाहिए, झूठ में जाके क्यों? हम खटाल में जाकर दूध पीते थे। मेरा प्रश्न पहले, क्या पहले हम सुबह सुबह जाते थे मॉर्निंग वॉक में, हाँ, और खटाल में दूध पी के आते थे। खटाल मतलब जहाँ दूध आते थे तो वो तो अच्छा है क्योंकि गाय वहाँ पे रहती है। हाँ। आप अगर झूठ, अभी क्या है भर के ये उतना दूध चल नहीं सकते हैं, समझे ना। दारू पीते नहीं है प्रभु जी, दारू नहीं पीते हैं हम। मेरा प्रश्न है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर चीज को आप अपने दिल में क्यों लगाते हैं? मान लीजिए आप एक बोतल में पूरा दूध भरे गरम गरम चीनी देके और झूठ में जाके ऐसे पी रहे, ऐसे चारों तरफ देख रहे, तो लोग क्या बोलेंगे, दूध पी रहे? लोग क्या बोलेंगे, शराब पी रहे। तो उसी प्रकार आप तो यहाँ पर जब लोग बोलेंगे पान खा रहे हैं, माता जी बोलिए कुछ क्वेश्चन है। वही कह रहे थे प्रभु जी हरे कृष्णा, ये भगवान तो क्लेश में भी रहते हैं, तैयो भगवान के वाणी और मुस्कान उसी तरह रहता है। भगवान के जैसे कितना वध किए, उनके ऊपर ये बाण चलाया, वो भी चलाए, तभी भी भगवान हंस हंस करके मुस्कुरा मुस्कुरा और वाणी सुंदर सुंदर वाणी बोल करके ही वे युद्ध करते हैं। तो उतना हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी से कोई बोले खराब बात भी बोले तो उससे भाई हंस करके मुस्किया करके और अच्छा बोले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, दिल में कभी कभी दुख रहता है, टेंशन रहता है, तो नहीं होता है। कोशिश करता है कि हाँ, मतलब अपना तकलीफ है तो किसी पर कड़वाहट नहीं दे, अच्छे से बात करें, फिर भी हो ही जाता है। तो है ही। और कुछ प्रश्न है? और कुछ तो प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रभु जी का पान खाना तो नहीं होगा।
पान पता पान हम नहीं खाते हैं प्रभु जी, नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं या कि क्या खाते हैं। देखिए हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी के कहने का मतलब है कि जब जूम क्लास चलता है ना, जो भी आप कुछ चबाते हैं उसको मतलब बंद कर दीजिए, बाद में चबाइए, चबाइबो कीजिए तक पता ना चले कि हाँ आप कुछ चबा रहे हैं। ये बात प्रभु जी के कहने का मतलब, सुपारी है ना थोड़ा सा खा लीजिए और कुछ नहीं। हाँ तो थोड़ा सा उसको फुलाइए मुंह में, ज्यादा मत उस मतलब खाते कहाँ है, खाता है। कभी कभी मन ये हो जाता है ना एकदम, आज तो एकदम बहुत मन उचाट है एकदम, है ना, सीना में दर्द होता है ना माता जी, तभी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्या बोले तो अकेले ये रहते रहते मतलब हो गए। सफाई का क्या कीजिएगा, समय है ठीक है यही चलिए तो है, बात कर्म के कथा, चलिए कर्म ठीक के है। लिखा हुआ काटता है अभी। हाँ कथा को एक वही बात है। विराम देते हैं। वांछा कल्पतरु भस्य हाँ कल्पतरु भस्य चा कृपा सिंधु भयो एवं च पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय अनंत कृष्ण जय भक्तवृंद की, जय समवेत जय भक्तवृंद की जय जय। परमानंदे। हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। बोल।